अच्छा दीदी की यहाँ पर कपड़ों की दुकान है और बोबो भाई की भी जी। तो YouTube के अगर YouTube का अगर आप लोग नाम लेके आएंगे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह हो जाता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा क्या थोड़ा, मुझे आज पता चला है ये थोड़ा यही टेक्निक्स होती है। अच्छा हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं अभी नैनीताल में हूँ और हमारे साथ है हमारी YouTube की टीम। मैं नीरज जोशी और ये हैं बोबो UK04 और आपका किस नाम से? पिंकीज फैमिली ब्लॉग। पिंकीज फैमिली ब्लॉग्स और जिसान भाई जो नैनीताल की अपडेट देते रहते हैं और यहाँ का वेदर दिखाते हैं, और बोबो भाई का तो बोलना मेरे को काफ़ी पसंद है, तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? तो हमारा चैनल को हम तो वही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, पिंकीज फैमिली ब्लॉग ऑन बोबो UK04 एंड जिसान अली। हम नैनीताल के अपडेट डेली अपडेट देते रहते हैं दोस्तों, हमारे साथ बने रहे। दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो मेरा क्या है कि मैं नैनीताल को एक्सप्लोर नहीं करती हूँ, तो थोड़ा बहुत वेदर एंड ऑल जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो मैं दे देती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा फैमिली ब्लॉगिंग टाइप का रहता है। अच्छा दीदी की यहाँ पर कपड़ों की दुकान है और बोबो भाई की भी जी। तो YouTube के अगर YouTube का अगर आप लोग नाम लेके आएंगे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह हो जाता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा क्या थोड़ा, मुझे आज पता चला है ये थोड़ा यही टेक्निक्स होती है। अच्छा और आप कुछ बोलना चाहेंगे जिसान भाई? मैं तो ये कहना चाहूँगा जैसे हम ये हमारे बड़े भाई ने बताया है बोबो UK04 ने, और जैसा हम नैनीताल के अपडेट को देते ही रहते हैं, साथ में हमारे जो नीरज भाई हैं ये भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग ये दे रहे हैं आप तक पहुँचा रहे हैं, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनके ब्लॉग को शेयर कीजिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा। और जो आजकल का वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, कल से और अच्छा हो जाएगा वेदर, तो आप लोग नैनीताल आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो नीरज भाई के जितने भी फॉलोवर हैं आज हमारे फॉलोवर हो जाने चाहिए भाई सबके सब। अरे मेरे फॉलोवर क्या, ये तो हमारा परिवार है और बड़े समझदार लोग हैं, तो हमारी फैमिली में भी इंक्लूड हो जाइए फिर आप सभी लोग। जरूर 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 बिल्कुल। तो चार पांच दिन की बारिश के बाद आज मौसम थोड़ा नैनीताल का अच्छा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा नैनीताल घूमते हैं। लंगूर को देखिए आप कितने मस्ती से बैठा है और पता नहीं क्या सोच रहा है। ये जो बोट है ये हवा से चलती है, सेलिंग बोट इसको बोला जाता है, आप देख सकते हैं। ये NCC के कैडेट्स हैं जो लेक की ओर बढ़ रहे हैं और ये शायद इधर सीख भी रहे हैं इसको चलाना। दो लोग हैं, एक मास्टर है इनके और एक स्टूडेंट है। नैनीताल में ठंडा शुरू हो गया है और अब यहाँ पर ऊन के कपड़े बिकना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। चारों ओर आपको यहाँ पर मोटे कपड़े दिखाई देंगे क्योंकि ठंडा काफ़ी हो गया है नैनीताल में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चिल्ड्रन पार्क के जो रेलिंग है उसमें भी सारे मोटे कपड़े इधर टांग दिए गए हैं। पंथ पार्क पर मैं हूं अभी। जब चार दिन लगातार नैनीताल में बारिश हुई तो सारा नैनीताल खाली खाली दिखाई देने लग गया था। अभी फिर से यहां पर रौनक लौट के आई है नैनीताल में। यहां पर नैनीताल में ये आप देख सकते हैं जो कुछ पुराने परिधान में यहां पर लोग आकर फोटो और सेल्फी वगैरह लेते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ गवर्नर बोट हाउस क्लब के सामने में और यहाँ से व्यू देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बारिश के होने से लगातार जब 4-5 दिन बारिश हुई थी नैनीताल में, तो उसके चलते यहाँ पर काफ़ी ठंडा स्टार्ट हो गया है, तो सभी लोग मोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं धूप के खिलने के बाद, धूप निकलने के बाद नैनी लेक बिल्कुल चमचमाती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर अभी हम लोग हैं माल रोड, अपर माल रोड, नैनीताल माल रोड पर दिल्ली दरबार जो फेमस यहाँ का रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं। कभी मौका मिले तो ज़रूर आकर विज़िट कीजिएगा। नैनीताल में जो टूरिस्ट आते हैं उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर बाइक टैक्सी भी अवेलेबल है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कितनी सुंदर यहाँ पर वॉल वॉच है। अभी मैं हूँ मूनलाइट के समीप। यह है डोमिनोज पिज्जा नैनीताल का, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पिज्जा उपलब्ध हैं, पिज्जा पराठा और पिज्जा पराठा यहाँ का सबसे यूनिक आइटम है। तो जब भी आप नैनीताल आएँ डोमिनोज में अवश्य जाएँ। ये हैं नैनीताल के होटल्स जो काफ़ी खूबसूरत हैं, और कभी अगर मौका मिले तो यहाँ पर आप लोग रुककर नैनी लेक का रात को लुत्फ़ उठा सकते हैं। रात को नैनी लेक काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है, जब सारी लाइट्स शहर की लाइट्स जो होती हैं वो लेक पर पड़ती हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जब होता है तो काफ़ी उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। चलते चलते हम लोग आगे हैं जहाँ से जू को जाया जाता है। ये ओपन जिम बनाया गया है यहाँ पर, जहाँ से हम लोग जू को जाते हैं, और काफ़ी अच्छा है। जो बच्चे शाम को वॉकिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक सुविधा ये है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें और हमेशा तंदुरुस्त और फिट रह सकें। नैनीताल की झील को आप अभी देख सकते हैं, जो तीन चार दिन पहले पानी का जल स्तर बढ़ गया था तो आज नॉर्मल है, और काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पर हो गया है। तो चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ तल्लीताल डाट पर। ये चौराहा है जहाँ से हल्द्वानी और भवाली को जाया जाता है। ये गांधी जी की स्टैचू। नैनीताल मार्केट में काफ़ी भीड़भाड़ हुई है क्योंकि कल करवा चौथ है, तो सारी महिलाएं खरीदारी कर रही हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि बीच में चार पांच दिन की बारिश से थोड़ा सूना सूना यहां पर लग रहा था। जैसे कि हम लोग बारिश पर आए थे नैनीताल, तो ये पूरा खाली हो गया था, और पूरा माल रोड खाली और मल्लीताल का जो पंत पार्क है वो खाली, तो बड़ा अजीब सा लगने लग गया था, लेकिन फिर से रौनक लौट आई है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरुदेव।